हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि एएलपी का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है, फॉर्म इसकी फिलिंग हो चुकी है। और उससे पहले मैं बात करूंगा कि थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैट लिंक भी दे दूंगा, जिसपे कि आप लोग जाके आराम से बातचीत भी कर सकते हैं और मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। वो स्पेशली रेलवे के बच्चों के लिए बस रहेगा, ठीक है? तो वो लिंक मैं दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे मैं चीज़ें हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ सारे एग्जाम से रिलेटेड, और वो पीडीएफ वीडियो की लिंक वहाँ पे मिल जाती है। देखिए, एएलपी का एग्ज़ाम आपको पता है काफ़ी क्लोज आ चुका है, तो थोड़ा सा कट ऑफ का एक आइडिया ले लेते हैं और कितनी रह सकती है, टारगेट स्कोर क्या करना है, कैसा टेस्ट में स्कोर रहे, इन चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये उस समय मैकेनिकल के विद्यार्थियों का था, तो जो जो सबसे ज़्यादा कटअप गई थी ना, वो गई थी 55 नंबर तिरुवनंतपुरम की, ठीक है? तिरुवनंतपुरम साउथ में है, ठीक है? तिरुवनंतपुरम साउथ में है, यहाँ पे देखिए 55 नंबर गई थी। कैटेगरी वाइज दे सकते हैं आप कितना कैसा था, ठीक है? अब बात करें अगर उससे ज़्यादा, मतलब सेकेंड हाईएस्ट तो अजमेर की गई थी, और जो एक लोएस्ट था वो जम्मू एंड कश्मीर की 40 थी, भुवनेश्वर की 40 थी, ऐसे बहुत सारी जगह थे जहाँ की 40 40 थी, ठीक है? तो ये चीज़ें रही हैं और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और देखिए, जो अब मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा कोलकाता जोन में था और सबसे कम 43 नंबर सिकंदराबाद में था, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ये मार्क्स थे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि पिछले साल क्या था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि 6 साल पहले पेपर हुआ है, 6 साल पहले पेपर हुआ है, तो ये कट ऑफ इंपॉर्टेंट है ही नहीं CVT1 का। दूसरी चीज, वैकेंसी उस समय थी करीब करीब 27,000 के आसपास, ठीक है? तो वो भी मैटर करता ही नहीं है कि आप इस बार है आपकी 6,000 के आसपास, तो उस समय और अभी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। तो पहला फैक्टर मैं बता दे रहा हूँ कि 75 में जैसे बिलासपुर हुआ और जो जोन हुए जहाँ पे की स्थिति काफ़ी नाजुक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया है, उन जगहों पे जनरल का जो कट ऑफ है वो आप प्रेडिक्ट लगा लें अभी ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी देखिए पेपर हुआ नहीं है, पेपर का लेबल का पता है नहीं, ठीक है? अगर मैं एक गेस लगा लूँ तो वो चीज़ें सही अभी के अनुसार होंगी नहीं, तो प्रीवियस ईयर अगर कोई आपको बता रहा है कट ऑफ, तो वो भी आपको कह रहा है कि ये टारगेट रखिए, तो वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि अगर आप अभी उस टारगेट में फंस गए तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। देखिए, कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हाई होने वाली है, 60+ ही जाने वाली है, 60 के अराउंड में रहने वाली है, मतलब 60, मतलब देखिए मैं बताऊं, आप देखिए कि 25 करीब करीब आप मान लीजिए कि 45 से 50 क्वेश्चन, 48 के आसपास क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, जिसमें कि बच्चे करीब करीब 42 44 स्कोर करते हैं। अब सोचिए कि जनरल साइंस हुआ और जीके हुआ, इसमें से 30 क्वेश्चन मैं मान ले रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट भी अगर 15 से 17 किए तो 60+ जाना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 60+ तो एटलीस्ट बच्चों का चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और दूसरा मैं बताऊँ यहाँ पे कि अगर इन चक्करों में लोग रह जाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो पढ़ाई थोड़ी सी वीक पड़ जाएगी, तो कट ऑफ अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही गलत होगा, पहली चीज़। सारे बच्चों के हिसाब से कोई भी अगर यूट्यूबर या कोई भी पढ़ाने वाला टीचर अगर एक कट ऑफ बता रहा है तो गलत है। हाँ, एक टारगेट बना के आप चलिए, टारगेट बना के चलिए कि कहाँ तक का स्कोर आपके लिए एक अच्छा होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जनरल के विद्यार्थियों के लिए कि 60 से 65 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो मैं मानूंगा कि डिसेंट स्कोर है, ठीक है? एक डिसेंट स्कोर है, और ये स्कोर आप मतलब कि बना के अगर टेस्ट में और इन जगहों पे चल रहे हैं, टफ टेस्ट में अगर 55 भी आपके चल रहे हैं, तो विच इज़ गुड फॉर यू। तो यहाँ से मैं एक टारगेट आपको देता हूँ कि आप कोशिश करिए कि इसके बीच में अभी स्कोर टेस्ट में प्रैक्टिस में करते रहिए, और ना हो तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, रिपीटिवली टेस्ट को देते रहिए। देखिए, टेस्ट क्या है ना, टेस्ट को अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखते हैं तो गलत है, टेस्ट को आप देखिए कि प्रैक्टिस के हिसाब से, वो क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछे गए हैं वो दोबारा आपसे गलत हो रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस गलत है, ठीक है? तो वो चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही है कि अभी कट ऑफ उठा के चक्कर में पड़े, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा, और ज़्यादा वीडियो के चक्कर में पड़िए। हाँ, एक प्रॉपर तैयारी करते रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट इस अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊं, प्लस मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग और इन चीज़ों के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।